सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या है पता है, यहाँ पे दिख रहा होगा रियलमी का एक स्मार्टफोन है जिसका प्राइस पॉइंट 22,874 रुपये रखा गया, बट इसे ना सिर्फ बाय कर सकते हैं हम यहाँ पे 16,998 रुपये, यानी कि 23,000 रुपये वाले स्मार्टफोन को सिर्फ हम 17,000 रुपये में बाय कर सकते हैं। और इसमें जो फीचर्स मिलेगा ना यार, यहाँ पे 8GB रैम विद 256GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, 256GB का स्टोरेज 17,000 रुपये के अंदर में। कैमरा में अगर बात की जाए तो यहाँ पे सोनी IMX890 OIS कैमरा देखने को मिल जाता है, OIS कैमरा है वो भी सोनी का 17,000 रुपये के अंदर में, यकीन नहीं होता है। पे 120Hz अल्ट्रा स्मूथ एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और एक सबसे बड़ी फीचर यहाँ पे 67W का सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, और डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है। 17,000 रुपये के राउंड में नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा फीचर दिया गया है? ऑफ कोर्स यार दिया गया, क्योंकि ये स्मार्टफोन 23,000 रुपये का है, 23,000 रुपये वाले स्मार्टफोन के जैसे फीचर्स देगा ना यार, ये सिर्फ और सिर्फ 17,000 में बाय कर सकते हैं, बट कैसे, यही तो बात है। आगे जाने के वीडियोस में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 16 से 17,000 रुपये के अंदर में आप लोग 128GB स्टोरेज और 6GB रैम वाले स्मार्टफोन के साथ में जा रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि 16 से 17,000 रुपये के अंदर में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन आ जाता है जिसमें 256GB का स्टोरेज और सोनी IMX890 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है कैमरा में। ये रियलमी की तरफ से आ जाता है जो कि अभी इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन बन चुका है। क्या क्या फीचर्स मिल रहा है ये सारे चीज डिटेल में बताने वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं रियलमी नार्जो 70 प्रो 256GB वेरियंट वाला, इसका ये डिजाइनिंग पंच वॉल पे कैमरा इस तरीके से यहाँ पे कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बैक सेटअप की अगर बात की जाए तो कुछ इस तरीके से लाइक यहाँ पे कैमरा सेटअप, LED फ्लैश, इसका डिजाइनिंग देख सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छा दिया गया, सुपर डिजाइनिंग है यार, बहुत ज्यादा बेस्ट डिजाइनिंग आ जाता है। बट इसके प्राइस पॉइंट की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पे देख रहा होगा 22,874 रुपीज, यानी कि 23,000 रुपये के अराउंड में देख रहा होगा, बट इसे किस तरीके से 17,000 रुपये में लेना है वो हम आगे वीडियोज में बताएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आप लोग इस प्राइस सेगमेंट में बेस्ट स्मार्टफोन लेने खोज रहे हो। तो सबसे पहले इसका फीचर्स को जान लेते हैं, देन बात करेंगे इसका प्राइस पॉइंट को लेकर के। तो यहाँ पे चिपसेट की बात की जाए तो MediaTek Dimensity 7050 का यहाँ पे चिपसेट देखने को मिल जाता है 6nm का। इसका यहाँ पे क्लॉक स्पीड अगर देखा जाए 2.6 GHz तक देखने को मिल जाता है। इसका प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना प्रोसेसर को तो वन ऑफ द बेस्ट है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग इसमें गेमिंग वगैरह भी खेल सकते हैं। 8GB रैम इसमें देखने को मिल जाता है, 8GB का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है रैम टाइप में, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। 6.67 इंच के साथ में AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 120Hz रेफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है यार, 120Hz रेफ्रेश रेट के साथ में AMOLED डिस्प्ले, वो भी 17,000 रुपये के अराउंड में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एंड इसमें 256GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, 256GB 16 से 17,000 रुपये के अराउंड में कोई भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा, सारे स्मार्टफोन 128GB और 64GB ही दे रहे हैं, बट यहाँ 256GB आप इसमें 6,000 से ज्यादा फोटो को स्टोर कर सकते हैं। सो फाइनली अब बात करते हैं कैमरा सेटअप को लेकर, ट्रिपल कैमरा दिया गया है, 50MP का फर्स्ट कैमरा देखने को मिलता है, मैन कैमरा जो प्राइमरी रहता है उसमें सोनी IMX890 का यहाँ पे सेंसर यूज किया गया है। इसके अलावा 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है, 2MP का यहाँ पे मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है, ट्रिपल कैमरा दिया गया है, 50MP मैन दे दिया गया है, और IMX890 का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फोटोज और वीडियोज क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, ज्यादातर स्मार्टफोन में 16MP ही दिए जाते हैं 20,000 रुपये के अराउंड में। ड्यूल वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फ्रंट और बैक साथ में आप लोग इसमें वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। 5000mAh बैटरी कैपेसिटी विद 67W का यहाँ पे चार्जर देखने को मिल जाता है, समझ सकते हैं यार 67W का चार्जर दिया गया है, और 5000mAh का बैटरी कैपेसिटी 16-17,000 रुपये के अंदर में 45W तक मैक्सिमम चार्जर जाता है, जिसका प्राइस पॉइंट 18 से 20,000 रुपये भी हो जाता है, बट यहाँ पे 16-17,000 रुपये के अराउंड में 67W का चार्जर मिल जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ऑन द स्क्रीन पे फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले पे ही फिंगरप्रिंट दिया गया है 17,000 रुपये का अराउंड में, बहुत ही कम स्मार्टफोन ऐसे हैं जिसमें डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये तो रहा इसका फीचर्स, अगर फीचर्स को कंपेयर किया जाए ना तो 17,000 रुपये के अराउंड में अगर देखा जाए ना तो वो तो नेक्स्ट लेवल का फीचर्स है, क्योंकि इसका एक्चुअली में प्राइस पॉइंट 22,000 रुपये रखा गया है, 22,000 रुपये वाले स्मार्टफोन के जैसा फीचर्स दे रहा है, बट इसका प्राइस पॉइंट जो डिक्रीज हुआ है 17,000 रुपये जो आ चुका है, तो यार यहाँ पे स्मार्टफोन सुपर हो जाता है, और 17 से 18,000 रुपये वाले स्मार्टफोन से तो फीचर ज्यादा रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल वे में अगर इसका प्राइस पॉइंट को कम किया जाए तो सिर्फ एक स्टेप को फॉलो करना है, क्या यहाँ पे फ्लिपकार्ट दिख रहा होगा, ओके फ्लिपकार्ट पे अभी हम दिखा रहे हैं, डायरेक्टली आप लोगों को अमेजोन पे आ जाना है। अमेजोन पे जैसे ही सर्च मारोगे ना रियलमी नार्जो 70 प्रो 5G, यहाँ पे 8GB रैम 256GB स्टोरेज वाला देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसका प्राइस पॉइंट यहाँ एक्चुअली में यहाँ पे 37% ऑफ दिखाई देगा, जिसके बाद इसका प्राइस पॉइंट 16,998 रुपये, यानी कि 17,000 रुपये आ जाएगा इसका प्राइस पॉइंट अमेजोन पे अभी मिल रहा है ऑफर में, इसमें 37% ऑफ कर दिया गया है। इस तरीके से ना आप लोग 22,000 रुपये वाले स्मार्टफोन को सिर्फ 17,000 रुपये के अंदर में ले सकते हैं, तो ये रहा ना कमाल का ऑफर। और अगर आप लोग 17 से 18,000
रुपये में रियलमी का कोई अदर स्मार्टफोन या फिर पोको ओप्पो वीवो वाले स्मार्टफोन में फंस रहे हो ना, यकीन मानो आप लोग बाद में जाकर के पछता सकते हैं, क्योंकि 17,000 रुपये वाले स्मार्टफोन में ना 17,000 रुपये वाले स्मार्टफोन के जैसे ही फीचर्स दे रहे हैं, बट यहाँ पे 22,000 रुपये वाले स्मार्टफोन को अगर आप लोग 17,000 रुपये में ले लेते हो तो यकीन मानो आप लोग फीचर्स के लेवल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाओगे। यानी कि 17,000 रुपये वाले स्मार्टफोन से काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाएगा आप लोग को ये स्मार्टफोन में, क्योंकि ये 22,000 रुपये के अराउंड वाले स्मार्टफोन को टक्कर दे रहा है और आप लोग 17,000 रुपये के अंदर मिले रहे हो, आप समझ गए होंगे। सो गाइस अभी ये ऑफर चल रहा है इसीलिए हम आप लोगों के साथ ये स्मार्टफोन को शेयर किए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अगर स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं आप फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और साथ में चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऑफर से रिलेटेड इस तरीके स्मार्टफोन से वीडियोस मिलते रहेगा। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।